द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जो कल भारत के सिनेमाघरों में लगी और आज के इस एपिसोड में हम इसी फिल्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज आप देख रहे हैं KIA न्यूज। इस एपिसोड के माध्यम से आज हम आपको ये बताएंगे कि द केरला स्टोरी फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बोलना पड़ा, फिल्म इतने विवादों में क्यों घिरी और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज से रोक लगाने पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हालांकि फिल्म निर्माता ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं के आईसिस में भर्ती हो जाने का दावा करने वाले विवादास्पद टीजर को सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर क्या कहा। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। भारत के फिल्म निर्माताओं ने भारत के लोगों को ऐसी ढेरों फिल्म बनाकर दिखाई जो किसी न किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। भारत के फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों के माध्यम से भारत की कई कुरीतियों को उजागर कर लोगों के बीच में पेश कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं द केरला स्टोरी फिल्म की। इस फिल्म में 30 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कहानी को दर्शाया गया है, लेकिन इस फिल्म के ऊपर यह भी आरोप है कि इसमें जो 30 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कहानी दिखाई गई है वह आंकड़ा झूठा है और कहा गया है कि ये फिल्म की कहानी 4 युवतियों की है। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक भारतीय युवती की भी है तो भी मेरे अनुसार इस फिल्म को दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। फिल्म द केरला स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानियों पर यह फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी आपबीती सुनाई है। शुरू शुरू में तो लगता है कि यह फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाए जाते हैं, यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में भी तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बातें किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो क्या उस धर्म के अनुयायी भी इतने ही सहिष्णु होकर ये फिल्म देखते रहते। जाकिर नायक जैसे धर्म प्रचारकों के हथकंडों का पर्दाफाश करती फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होते होते एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अदा शर्मा फिल्म द केरला स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपने दोनों कंधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी माँ से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की हैं। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाने हैं और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ अदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवल्सा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही रुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रहता है। फिल्म के रचनात्मक निर्देशन और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय इसके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया है और उनकी पसंदीदा अदाकारा अदा शर्मा को भी इस फिल्म में अभिनय के लिए आने वाले समय में पुरस्कार मिलने ही मिलने हैं। फिल्म द केरला स्टोरी में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती हैं।
और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्मिता गंवाकर होश में आई लड़की के घुटने न टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में उनका अभिनय नोटिस करने लायक है। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है और इस किरदार को पर्दे पर इसके सारे अवयवों के साथ योगिता ने बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया है। सोनिया बिलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है जिसके पास साधारण घर की युवतियों को बहला फुसला कर उन युवकों के आगोश में पहुँचाने की जिम्मेदारी है, जो इनको शील भंग करके इन्हें अपने कहे रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अपने इस किरदार में सोनिया कभी बिंदु तो कभी अरुणा ईरानी की याद दिलाती हैं। फिल्म द केरला स्टोरी पर तमाम आरोप लगे हैं, आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने तथ्यों पर कायम रहते हुए एक संतुलित फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है। उम्मीद है आपने ये फिल्म का ट्रेलर तो ज़रूर देखा होगा, और अगर फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जाकर के इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। फिल्म देखने लायक है। हमारे सहयोगी दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ ने ये फिल्म देखी है और उन्हीं ने आज का ये रिव्यू लिखा है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।